ऐसे हैंग कर जाता, कोई भी इसमें कोई टच काम ही नहीं करता यार, क्यों ऐसा क्यों भाई, इतना भी कोई हाईफाई नहीं है ये। हेलो टू एवरीवन, तो भाई लोग मैं होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने हूँ अपनी बलेनों के साथ। अब ये वीडियो मैं काफी सारी बना चुका हूँ बलेनों के ऊपर, बट ये वीडियो भी जरूरी है काफी। आज इस वीडियो में बताऊंगा मेरे को अप्रोक्सीमेटली 5 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी के साथ, तो क्या क्या मुझे इसमें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। बेसिकली आज मैं इसकी बुराई करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज मैं उन सबको कवर करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जाना नहीं है अभी कहीं, देखनी है पहले पूरी वीडियो, फिर हम आगे बात करेंगे क्या क्या है इस वीडियो में। तो इसके बारे में आज मैं पांच से छह ऐसी चीजें बताऊंगा जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बेसिकली बिल्ड क्वालिटी की बात तो है ही है, बलेनो बिल्ड क्वालिटी तो खराब है ही मारुति की, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आज हम इस बार बात करेंगे, ये है मारुति सुजुकी बलेनो डेल्टा, तो आज हम इन सबको कवर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या खराबी है इसके अंदर। तो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आगे हो चैनल पर तो चैनल पर हिट द लाइक बटन, मिलते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी डिसलाइक बटन दबा के जरूर जाइएगा, लेकिन कुछ जरूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो कम करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। लोग अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं इसके बैक साइड चलता हूँ, वो बैक साइड से दिखाता हूँ सबसे पहली खराबी क्या लगी है मुझे इस गाड़ी के अंदर। मैं इसे अगर एक बार अनलॉक कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या खराबी है। जैसे मैंने किया इसे अनलॉक, दो में अनलॉक होती है, अब मैं दिखाता हूँ इसे कर देंगे अनलॉक। भाई यहाँ धूल घुसने का क्या मतलब है, आप देखो क्यों पूरी गाड़ी जब पैक है, मैं इसे साफ जानबूझे करके लाया हूँ कि भाई यहाँ क्यों धूल घुस रही है। आप देखो इसे पूरी जब गाड़ी बंद है, इधर से पूरी बंद है, आप खुद देखो इतनी गैपिंग का क्या मतलब है, इतनी गैपिंग। तो इस हिसाब से मैं इसे कितनी बार भी साफ कर लूं, एक बार ये चलती है ना फिर इसमें धूल घुस जाती है, बार बार हर बार का इसका यही है, जितनी बार भी इसे साफ करो यहाँ पूरी धूल घुस जाती है, बहुत गंदी सी लगती है और इतना गैप है इसमें, इतनी घुस जाती है और साफ और नहीं होती आसानी से। ये देखो आप थोड़ा सा देखो, ये एक है इसका एक पहला डिफेक्ट जो मैं बताऊं, जो मुझे बेसिकली मुझे इसके अंदर अच्छा नहीं लगा, ये इसकी एक पहली दिक्कत है। अब चलते हैं इसकी दूसरी दिक्कत पे, वो ये है कि इसकी भाई पीछे वाली बिल्ड क्वालिटी। आप देखो ये क्या है, ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हो उसमें, ये देखो ये पूरी दब रही है, कोई अगर लगा भी जाए ना तो उसमें कुछ ना होना। ये देखो ये पूरा हिलता रहता, आवाज सुन रहे हो आप, इतनी हल्की प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या मूड खराब करने वाली चीज है ये। देखो हम इसका फ्रंट भी दिखा दो, ऐसे फ्रंट बम्पर भी इतना ही कमजोर है इसका। देखो आप इसका फ्रंट बम्पर देखो, ये फ्रंट बम्पर देखो, ये देखो पूरा दबता है, ये देखो प्लास्टिक, इतनी हल्की तो प्लास्टिक यूज हुई है इसमें। ये क्या दिखाना चाहते हैं। तो भाई ये तो उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात हुई, मैं एक बार से अभी अंदर से भी दिखाऊंगा, बट पहला वो उसका बैक साइड उसका, और दूसरे इसके जो दोनों बम्पर हैं वो। तीसरी चीज मैं एक बार गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ, वो ये है कि तीसरी चीज ये है, जैसे कभी कभी इसका ये स्टीरियो है, कभी कभी जो इसका स्टीरियो है ये हैंग कर जाता है भाई, ये चलता ही नहीं है, ये काम ही नहीं करता है। अभी आप इसकी वीडियो देखो, जब ये एक बार अभी हैंग किया था टाइम पहले, तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करता है, एक बार आप इसकी वीडियो देखो। देखो ये अब चलते चलते हैंग हो जाता है, जैसे आप देखो अब इसमें कोई भी बटन काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना ये कर रहा है ना ये कर रहा है, ये हो जाता चलते चलते हैंग, कुछ नहीं चल रहा, ऐसे हैंग कर जाता, कोई भी इसमें कोई टच काम ही नहीं करता यार, क्यों ऐसा क्यों भाई, इतना भी कोई हाईफाई नहीं है ये, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले नहीं है, कोई ऐसे हैंग हो जाए, नॉर्मली ये गाना चलना है तो फिर भी हैंग हो जाता है ये। तो मैं इसे मैकेनिकल इशू कहूं या कुछ भी, कोई भी दिक्कत कह सकते हो आप इसे, बट एक ये दिक्कत भी है इसमें, ये मुझे खराब लगती है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है इस पे यार, क्यों हो जाता है ये। तो एक तो ये हो गया इसका, अब हम चलते हैं, अब इसकी अगली चीज दिखाऊं तो मैं आपको इसका एक बार बोनट खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ एक बार, इसे बंद कर देता हूँ मैं, बोनट आपको दिखाता हूँ बोनट में क्या क्या है, इसे कर लेता हूँ एक बार। ये देखो भाई कोई क्या है, क्या चीज है देखना, इस हिसाब से कोई कवर वगैरह लगा देते, साइड देखो आप इसकी ऐसे छोड़ दिया, मतलब गाड़ी को बाहर से अच्छा कर दो, अंदर जहां कुछ भी हो रहा हो, इसे देखो ये पूरा, आप एक बार इंजन देखो भाई, इसे कवर ववर चढ़ा देते, I-20 वगैरह में कितना सही से कवर ववर करके देते हैं, माना आप पैसा काट रहे हो पर इस हिसाब से। एक ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये इनका पूरा अंदर से सीन है,
बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो यार मतलब बाहर से अच्छी कर दी गाड़ी, अंदर से भी तो अच्छी करो, दिखना तो चाहिए कुछ। तो ये तो हो गया भाई इसका इंजन का पूरा। अगली चीज मैं आपको बताऊं, अगली चीज जो मैं आपको दिखाता हूं वो है ये कि भाई स्पेस की मैंने बात मानी, बहुत स्पेस है इसके अंदर, बट भाई पीछे वाली जो सीट है ना उसमें बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। आप देख सकते हो पीछे वाली सीट में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, मतलब यार इतनी ऊंची है ये, मतलब थोड़ी सी और नीचे हो सकती थी। बैक सपोर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट भी कम है थोड़ा सा इसमें। आप देखो थाई सपोर्ट में दिखाता हूँ, थाई सपोर्ट भी हल्का सा इसमें कम है और थाई सपोर्ट हो सकता था, बट हल्की जो बैक है ना वो पीछे होनी चाहिए थी। तो होता यह कि थोड़ा सपोर्ट भी सही रहता और आराम से बैठ सकते थे। स्पेस काफी ज्यादा है, काफी अच्छी स्पेस है, बट ये चीज भी देखी जाएगी मारुति को, ये भी अगर कभी उन तक वीडियो पहुंचे तो उस पर भी जरूर काम करें भाई। ये भी देखना है कैसे कैसे क्या क्या करना है, आप ही को ज्यादा मालूम है इन सबके बारे में। तो एक ये और चीज थी इसके अंदर, जिस सीट का देख लिया था, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये हैंड ब्रेक छोड़ी भाई, ये देखो क्या मतलब है इसका, इतना हिलेगी, ये देखो आपसे, ये देखो इस हिसाब से थोड़ी हिलती है, थोड़ा अगर मैं इसे लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं हिलती है, बट जैसे रिलीज कर दूं उसे, क्या है क्या क्या समझो उस चीज को, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है भाई। यार ये ऐसे हिलेगी तो काम कैसे चलेगा, इनको भी इस चीज के लिए भी कुछ करना चाहिए। देखो इस हिसाब से हिलती है, अभी लगी नहीं हुई है हैंड ब्रेक, और अब मैं इसे लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त है फिर तो सब बढ़िया है। बट एक ये भी चीज है, और एक बताऊं मैं इसके बारे में आपको कि क्या होता है जब भी ये चलती है ना थोड़ी, अगर स्पीड ब्रेकर वगैरह, तो भाई ये बहुत ज्यादा आवाज करती है। अगर इसमें लोग ज्यादा नहीं है, लोग कम है इसके अंदर, अगर लोग कम है तो भाई बहुत दिक्कत देती है ये पता नहीं हिलता रहता है, आवाज करता, क्या चीज आवाज करती है मेरे को यही समझ नहीं आई, बट पीछे से काफी आवाज करती रहती है, धक 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 धक। और इसके सस्पेंशन में भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, जैसे सस्पेंशन वगैरह में दिखाऊं, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है, इसे सस्पेंशन वगैरह में भी ऐसी दिक्कत है कि अगर कुछ ना हो तो मतलब अगर वेट नहीं है गाड़ी के अंदर, लोग कम है गाड़ी के अंदर, मैं अकेला हूं या एक हाथ और है, तो ये बहुत मतलब इसके सस्पेंशन अच्छे से काम नहीं करते। अगर कुछ लोड है गाड़ी के अंदर, चार लोग हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सस्पेंशन वर्क करते हैं, बट अगर कम है तो पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती रहती है, और फिर आवाज़ और करती है, पता नहीं हल्की है इस चक्कर में आवाज़ करती है। तो एक ये भी चीज़ है जो मुझे खराब लगी, मैंने बोला था 5 या 6, बट इसमें अब मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मुझे खराब लगी हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मेरे को इसके अंदर क्या क्या खराब लगा है। और बेसिकली मैं एक और चीज़ बताऊँ, वो इसका डोर है, आप सुनिएगा। जैसे मैंने मारा ये मैंने खोला इस हिसाब से भाई, इतना तो हल्का है, ये इतना हल्का है। जब मेरा एक बार इसमें मतलब जब लगी थी मेरी गाड़ी तो ऐसा भी कुछ इतना बड़ा नहीं था, बट पूरी में ऐसे छेद हो गया यार, इस हिसाब का लोहा थोड़ी होता है। तो ये इसकी बेसिकली जो है ना सबसे खराब इसकी बिल्ड क्वालिटी ही है। अब एक चीज उन्होंने एवरेज बढ़ा दिया है और बाकी सब कुछ इसका लुक अच्छा कर दिया है, बाकी तो यार इसमें सब आधी ज्यादा चीजें मुझे खराब नहीं बोलूंगा बट हैं। अब कार ली है तो उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर होंगे, ये वीडियो बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर थी कि मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या क्या खराब लगता है। और अगर इसमें बहुत सी चीज़ें भी हैं जो मुझे अच्छी लगती है, मैं उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मुझे क्यों अच्छी लगती हैं चीज़ें। और ऐसे छोटे मोटे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो इसे नहीं लेना है तो भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। एक पीछे वाला इशू हुआ वो आप साफ कर सकते हो, और लुक वगैरह आप देखो सामने से बहुत प्यारा है गाड़ी का लुक, पूरा आप गाड़ी का लुक देख सकते हो, तो गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एक इफेक्ट है केवल एक, और एक जो इसकी मुझे खराब बात लगती है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो मे भी सही हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो बलेनो ऐसा कोई खासा बुरी कार नहीं है, बट यही सारी चीजें जो मुझे इसके अंदर बुरी लगती हैं। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने इस कार के बारे में आपको बताया कि भाई क्या क्या मुझे इसके अंदर बुरा लगता है। ऐसा कुछ खराब ही नहीं है, ये सारी चीजें हम नॉर्मल डे टू डे ड्राइव पे फेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसा कुछ गाड़ी पे इफेक्ट नहीं दे रही, इंजन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चलने में है, 5 से 6 महीने हो गए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, इनकी सर्विसिंग से भी नहीं आई है और गाड़ी चलने में भी काफी अच्छी है। बट ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत इरिटेट करती है इंसान को, उसका स्टीरियो का कभी कभार हैंग हो जाना, भाई वो क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब था, और बाकी मैंने अपने सब चीजें बता दी जो मुझे इस कार के बारे में बुरी लगी हैं। मैं भी चाहूंगा अगर आपको कुछ अपनी कार के बारे में, आपके पास भी बलेनो है तो आप उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, उन्हें भी पता पड़े भाई क्या क्या इसके अंदर बुरा है, और वो भी कभी नोटिस करें तो ध्यान दें सब चीजों के बारे में। तो ये था सब कुछ मेरी साइड से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बेकार लगी हो तो भाई डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ करके जरूर जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो,
मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी अच्छी जो चीजें हैं, काफी कुछ अच्छा है इसके बारे में, मैं उसकी वीडियो जरूर लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको इसके बारे में कि क्या क्या है इसके अंदर अच्छा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं।